तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोह की यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर की आज की अपडेट। अब देख लेते हैं कल की वीडियोस के कुछ कमेंट्स। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, दिया आप मेरे कमेंट को शामिल क्यों नहीं करते हो? तो देखिए, मैंने आपका सबसे पहले कमेंट शामिल कर लिया एंड मुझे आपके कमेंट्स पता नहीं क्यों दिखते हैं। आप अपने कमेंट वीडियो में करा कीजिए, किसी के रिप्लाई में मत किया करिए। क्योंकि मानी उप्रेति ने कमेंट किया है मिस यू सोहक, मोना प्रधान ने कमेंट किया है मिस यू सोहक, गुड़िया ने कमेंट किया है हाँ दी मैंने भी देखा है बहुत बुरा लगा। तो गाइज ये थंबनेल की बात कर रहे हैं मोहक एंड सुरभि के। नू ने कमेंट किया है ओ माय गॉड दी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो हम क्या करेंगे। प्रतीक्षा ने कमेंट किया है आप कमेंट वाला वीडियो अपलोड करो, वेटिंग फॉर अपलोड। अंशुल मौर्या ने कमेंट किया दी आयुष भैया ने सलोनी दी को अनफॉलो कर दिया है और सलोनी ने भी अनफॉलो कर दिया है आयुष भैया को। तो हाँ गाइज, सलोनी ने अपने बर्थडे के आसपास ही शायद आयुष को अनफॉलो कर दिया था ना, आयुष ने भी फिर अनफॉलो कर दिया एंड यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। स्टेटस ओनली ने कमेंट किया सुरभि अभी भी पसंद करती है मोहक भैया को, अलग ही दिखता है, स्टोरी में बोल रही थी टेंशन में हूँ जल्दी से एक्टिव आऊंगी। नजरीना ने कमेंट किया दीदी ये दोनों अब नहीं मिलेगा क्या, प्लीज कम बैक सोहक। दीदी आप मेरे कमेंट्स शामिल नहीं करते हो, तो नजरीना आपका कमेंट मुझे नहीं दिखता है इसलिए मैं आपके कमेंट शामिल नहीं कर पाती हूँ। गाइस आप लोग वीडियो में कमेंट किया कीजिए, अगर आप रिप्लाई में कमेंट करेंगे तो फिर वो कमेंट मुझे नहीं दिखते हैं। आशा ने कमेंट किया है थैंक यू दी मेरी जान हो कैसे हो, क्यूट क्यूटेस्ट दी लव यू सोहक, थैंक यू सो मच आशा। ब्लेसी ठाकुर ने कमेंट किया दी मैं चाहती हूँ कि आप फैनत के बारे में बताएं। पर आप लोगों को पता होगा कि फैजू जन्नत के काफी सारे फैन पेजेस हैं, उनके यूट्यूब पर भी अब काफी सारे फैन पेजेस के वाले चैनल है, तो आप वहाँ पर जाकर उनकी न्यूज देख सकते हैं। इनका आप लोगों को पता होगा कि फैनत के फैन पेजेस काफी एक्टिव रहते हैं एंड काफी इमोशनल भी है, उनके बारे में थोड़ा सा इधर उधर कहने पर वो काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे दो तीन लोगों को जिनको कि इन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया है। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है 2021 का जनवरी का मंथ जब मैं सोहक का फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देखा था एंड आज पता चला कि वो दिन मेरे लिए सबसे वर्स्ट दिन था, क्यों देखना स्टार्ट किया था मैंने इन दोनों को, 4 मंथ फुली डिप्रेस्ड हूँ एंड पता नहीं और कितना लंबा हो गया ये डिप्रेशन। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है आपने मोहक या सुरभि को मैसेज नहीं किया क्या कभी डायरेक्ट उनके नंबर पर। श्रुति ने कमेंट किया वी वॉन्ट सोहक बैक। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया यस मुझे अब लगा कि किसी एक की गलती नहीं है, ये दोनों की ही गलती है। मैंने कमेंट कर दिया आप प्लीज़ कीनी से बात करके देखो ना कुछ पता चलेगा आपको। तो गाइज आपको क्या लगता है, मैंने उससे पूछा नहीं होगा एंड उसको भी कुछ नहीं पता। आप लोग जानते हैं वो अभी छोटी है, सिर्फ 13 ईयर की, 9th क्लास में पढ़ती है एंड आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी सुरभि के सामने। तो क्या लगता है आपको वो पूछ पाई होगी कुछ सोहक के बारे में? एंड वैसे भी उसने स्टोरी डालकर ये बोला था, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, किन्नी ने स्टोरी डालकर बोला था क्लियरली टेलिंग यू ऑल अभी ही वो मेरे भाई बहन कुछ नहीं है जो वो मुझे बताएंगे, सो प्लीज स्टॉप आस्किंग स्पैमिंग। जितना तुम लोग जानते हो उतना ही मैं भी जानती हूँ। तो वो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ सोहक के बारे में, सोहक मेरे भाई बहन नहीं लगते हैं जो वो मुझे आकर पर्सनली बताएंगे, तो आप लोग मुझसे पूछना बंद कर दीजिए एंड क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, आप लोग जितना जानते हो उतना मैं ही जानती हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि जितना हम लोग जानते हैं उतना ही किन्नी भी जानती है एंड उसका भी सोहक के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड वो भी उतना ही जानती है जितना कि हम लोग जानते हैं, तो पूछना बेकार है। मैंने अगला कमेंट कर दी बस अब सोहक साथ आ जाएंगे। सतीश कुमार ने कमेंट किया दीदी आप सिर्फ सोहक की ही वीडियो बनाओ क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी ही अपडेट पर ट्रस्ट है। श्रुति ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट वीडियो के लिए। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, मुझे लगता है हमें सोहक का साथ देना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही डिप्रेस्ड है एंड वो दोनों खुद भी एक दूसरे से ना मिलने पर परेशान है। तो हाँ अनम आपने बिल्कुल सही कहा एंड कल वाली वीडियो में मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था एंड कैसे आप लोग जानते होंगे कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर गुस्सा आता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। पर अब मुझे कोई गुस्सा नहीं उन दोनों पर, मैं फुल सपोर्ट करती हूँ सोहक को एंड आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि उनको सपोर्ट करो। शरीफुद्दीन ने कमेंट किया है मुझे लगता है कि जितनी गलती मोहक की होगी उतनी ही गलती सुरभि की भी होगी क्योंकि हमने व्लॉग में उनकी बॉन्डिंग देखी, मोहक कैसे सुरभि को संभालते थे एंड हम दोनों सिर्फ एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दी आप बहुत प्रूफ के साथ और सच्ची सच्ची न्यूज़ देती हो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मेरी न्यूज़ पर ट्रस्ट करते हैं एंड आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मैं सच्ची न्यूज़ ही देती हूँ एंड विथ प्रूफ देती हूँ, उन सारी चीज़ों के मेरे पास प्रूफ होते हैं एंड आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों को देती रहूँगी। पर गाइस सोहक के फैन पेजेस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है मेरी न्यूज़ पर क्योंकि वो सच्ची होती है और थोड़ी सी कड़वी लगती है तो उन लोगों को बुरा लग जाता है एंड ऐसे ही आज वाली मेरी वीडियो को भी मुझे प्राइवेट करना पड़ा। सालेह अंसारी ने कमेंट किया है हमें तो कन्फर्म लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है क्योंकि सुरभि ने पर्सनल कैमरा ले लिया है, लेंस भी ले लिया है। तो हाँ गाइस आप सभी के सामने है कि सुरभि ने कैमरा ले लिया है एंड उन्होंने कैमरा लेते हुए बोला था कि मेरी मम्मी ने भी बोला है कि एक्टिव रहा कर एंड वीडियोस बनाया कर एंड अब से मैं अच्छे से एक्टिव रहूंगी, वीडियोस बनाऊंगी एंड अपने काम पर ज्यादा फोकस करूंगी एंड ये चीज उन्होंने बहुत ही ज्यादा
हाईलाइट करते हुए बोली थी कि मैं अपने आप सिर्फ काम पर ही ज्यादा ध्यान दूंगी। स्टेटस ओनली ने कमेंट किया, वो चाहते हैं बात करना पर ईगो प्रॉब्लम है कि कौन पहले एसएमएस करे। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, दी अब धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं जैसे दिवाली, दोनों का बर्थडे, वैलेंटाइन डे, हैशटैग सोहक का 2 इयर्स, होली, ये सब ये दोनों अकेले कैसे पार करते हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे 100% श्योर। तो हाँ गाइज, ये तो 100% श्योर है कि अगर वो अभी अलग हो गए तो दोनों एक दूसरे को भुला तो नहीं पाएंगे, पर हम यहाँ पर विश करेंगे कि ये दोनों अलग ना हो और साथ में आ जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर रह पाएंगे। एंड रही इन सभी इवेंट्स की बात, तो हाँ गाइज, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है इन दोनों के बर्थडे में। आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों के बर्थडे में सिर्फ 15 दिन का ही अंतर रहता है। 19 नवंबर को मोहक का बर्थडे आता है तो 3 दिसंबर को सुरभि का बर्थडे आता है एंड ऐसे ही काफी सारे दिन आने वाले हैं, तो देखना होगा कि इस दिन ये दोनों मिलते हैं या नहीं। एंड अगर इन खास दिन भी ये नहीं मिलते हैं तो हमें चीजें क्लियरली होती दिखाई देंगी, जैसे कि अभी सलोनी एंड आयुष के बर्थडे पर इन दोनों ने ना एक दूसरे को विश किया ना ये एक दूसरे से मिले, तो हमें चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई दिख रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, यानी कि इनका ब्रेकअप हो गया है। प्रतिमा गुप्ता ने कमेंट किया है, दी हमें हिम्मत रखनी होगी, जरूरी नहीं कि उनका ब्रेकअप ही हुआ है। अगर रिलेशनशिप में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है इसका मतलब ये नहीं है कि सोहक कभी नहीं आएंगे वापस, वो एज अ फ्रेंड के तौर पर भी वापस आ सकते हैं। यू आर अमेजिंग, लव यू दी वेरी मच, लव यू टू प्रतिमा सबसे पहले तो। एंड हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी यही कहती आई हूँ हमेशा, एंड इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस में ब्रेकअप शब्द का यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड मैं यहाँ पर बोलती भी नहीं हूँ कि ब्रेकअप हुआ है, हमेशा सोहक का झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलती हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मैं खुद भी नहीं चाहती कि ये दोनों अलग हो। जी एस स्टडी ने कमेंट किया है, भाई ये सी है, ये लोग व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए किए हैं, वो लोग साथ में ही हैं, मिलेंगे, टेंशन ना लो। आसिफ खान ने कमेंट किया, दी सुरभि दी ने आज स्टोरी पर लिखा है कि टूटी हुई हर चीज जुड़ जाती है लेकिन दिल नहीं जुड़ता। तो हाँ गाइस, वो स्नैप आप लोगों को मैंने पहले दिखा दी कि वो अपनी मम्मी से बोलती हैं कि मम्मी अगर दिल टूट जाए तो फिर क्या करना होगा। एंड सेम ऐसी स्टोरी सुरभि ने पहले भी अपने स्नैपचैट पर शेयर की थी, अपना टूटा हुआ नेल्स दिखाकर, और लिखा था कि अगर नेल्स टूट जाए तो जुड़ जाता है पर दिल टूट जाए तो नहीं जुड़ता है। सोनी शाह ने कमेंट किया, दीदी आप कोई और पीजे दिव्या का वीडियो अपलोड करना, तो ओके सोनी शाह मैं कोशिश करूंगी। एंड वैसे भी धीरे धीरे मैं खुद इस टॉपिक से निकलना चाहती हूँ, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊंगी, प्लीज गाइज आप लोग सपोर्ट करना। मैंने कमेंट किया, हाँ दी आप सभी की वीडियो बनाइए क्योंकि अब हर रोज हम भी दुखी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोहक की वीडियो मत बनाना, आप सोहक के साथ में बाकी सबकी वीडियो भी बनाए, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो थैंक यू सो मच मेहर मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड हाँ गाइस, सोहक की तो न्यूज़ में देती रहूंगी बट साथ में किसी और की भी टॉपिक पर वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग प्लीज सपोर्ट करना। अंकिता त्रिवेदी ने कमेंट किया, जिनको लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं वो लोग अपने फैंस की कदर नहीं करते, इनकी जगह आप छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करोगे तो उनका भला होगा। जय माता दी, बिल्कुल सही कहा अंकिता आपने। मैंने कमेंट किया, आई मिस यू सोहक वेरी मच। पॉम्पी बरमुडा ने कमेंट किया है, दी आपको और सोहक को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं, माता माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मिस यू सोहक। तो थैंक यू सो मच पॉम्पी जी। आशा ने कमेंट किया है, थैंक यू दी मेरी क्यूट क्यूटेस दी, लव यू सोहक, थैंक यू सो मच आशा। सैदुल 65 व्लॉग्स ने कमेंट किया, एन स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हियर। तो सैदुल मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्लीज इसके अलावा भी कुछ कमेंट कर दिया कीजिए। मोहम्मद यूसुफ ने कमेंट किया है, एवरीवन प्लीज अटेंशन ऑन सुरभिज न्यू व्लॉग 8.54, डेट वॉइस इज मार्क्स आई थिंक। श्रुति ने कमेंट किया है, गाइज जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, तुम सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बनाए रखे। प्रीति ने कमेंट किया, इन दोनों ने मिलकर हम सबको पागल बना रखा है, व्यूज के लिए सुरभि का टाइटल देखो एंड मोहक का भी गर्लफ्रेंड, इन दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अनम ने कमेंट किया, थैंक दी अपडेट देने के लिए, अल्लाह सोहक को जल्दी मिला दे, हम और वेट नहीं होता है। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हमें हमारा सोहक वापस मिल जाए। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, आखिर कितना नीचे गिरेंगे ये दोनों, पहले मोहक के ब्लॉग्स का टाइटल गर्लफ्रेंड एंड आज सुरभि के ब्लॉग का टाइटल खोया हुआ प्यार। आसिफ खान ने कमेंट किया, दी जब सुरु दी ने ब्लॉग डाला था तो मोहक भैया ने भी उसके अगले दिन ब्लॉग डाला। स्मार्ट रवि ने कमेंट किया, दी क्या टॉक अबाउट यू चैनल ने जो बताया है सोहक के ब्रेकअप के बारे में वो सही है? तो गाइज वैसे तो वो बहुत बड़ा चैनल है पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च लगता है। उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि सॉन्ग की शूटिंग के दौरान उनके बीच कुछ ऐसी लड़ाई हो गई थी कि उसके बाद वो नहीं मिले, जबकि आप लोगों को याद होगा कि उनके सॉन्ग की शूटिंग 2, 3 और 4 मई को हुई थी। उसको बोला था कि कुणाल मोहक को सुरभि से पहले मिले थे, जबकि ये भी गलत है। मैंने वहां पर कमेंट भी किया था कि सुरभि मोहक को पहले मिली थी फिर उसके बाद कुणाल मिले। एंड वैसे बाकी सारी चीजें तो उसमें सही है पर 2-3 चीजें हैं जो कि सही नहीं है। मिसबा काजी ने कमेंट किया, दिया आपने एक बात नोटिस की, जब मोहब्बत सॉन्ग का ब्लॉग आया था उसमें 1 मिलियन पर फोटो फ्रेम अभी तक संभाल कर रखी हुई है उनके ब्लॉग में। तो हाँ मिसबा आपने बिल्कुल सही कहा, उस टाइम पर इन दोनों के बीच में सारी चीजें बिल्कुल सही थी इसलिए वो फोटो आपको देखने को मिला होगा।